तो वाले दोस्तों, हम लोग ललित बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और दोस्तों बताते हैं कि हम आ चुके हैं ललित बस स्टैंड। और यहां पर दोस्तों दशहरा का सबसे बड़ा पंडाल बनता है, जो सिवान जिला है यहीं पर सबसे बड़ा पंडाल बनता है। और दोस्तों आगे चलते हैं, यहां पर काफ़ी बस लगी हुई है, आपको दिखाते हैं। दोस्तों आपको अगर सिवान से दिल्ली जाना है तो आप यहाँ पर काफ़ी बस अवेलेबल है, आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही ललित बस स्टैंड है। आपको दिल्ली से सिवान की सफ़र करना है तो आप किसी बस में जा सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली से सिवान का बुकिंग होता है, यहाँ पर काफ़ी लोग। और दोस्तों चलिए, आप लोग जो खास मकसद था पंडाल देखने का, सिवान का सबसे बड़ा पंडाल, सिवान का सबसे बड़ा पंडाल यही दोस्तों बता दें कि यही आपको ललित बस स्टैंड है। और आपको सिवान से दिल्ली जाना है या मारवा, गोपालगंज, लखनऊ, किसी भी एरिया में जाना है तो आप यहाँ पर कोई भी बस जो सिवान से दिल्ली जाती है आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर टिकट भी बुकिंग होता है और यहाँ पर काफ़ी काउंटर लगा हुआ है दोस्तों, बता दें यही ललित बस स्टैंड है। और यहीं पर दोस्तों सिवान का सबसे बड़ा पंडाल बनता है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं सिवान का सबसे बड़ा पंडाल जो कि ललित बस स्टैंड में बनता है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बस लगी हुई है, तो चलिए हम लोग जो देखने वाले हैं सिवान का सबसे बड़ा पंडाल, आपको इसका वीडियो दिखाते हैं काफ़ी। तो दोस्तों यही है आपको राम मंदिर जो ललित बस स्टैंड में बन रहा है और काफ़ी बड़ा है, और सिवान ज़िले का सबसे बड़ा पंडाल यही है, ठीक है। दोस्तों इसकी लागत बताते हैं, लगभग 20 लाख में बनने वाला है। और यहाँ का जो भी कारीगर है, जो भी यहाँ का मजदूर बना रहे हैं, ये सब वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता से आते हैं। और यहाँ पर हमारी टीम है जो कि इस पंडाल को देख रही है, आप देख सकते हैं राजू भैया है। यहाँ पर सब काफ़ी बड़ा पंडाल है, सिवान ज़िले का सबसे बड़ा पंडाल यही है दोस्तों, राम मंदिर है, ठीक है। आगे इसका हम लोकेशन दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि सद्भावना दुर्गा पूजा सेवा समिति के द्वारा ये पंडाल को बनाया जाता है, जो युवा अध्यक्ष हैं जनार्दन यादव, उनके द्वारा ही ये निर्माण में किया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना काफ़ी बड़ा ये पंडाल दिख रहा है, जैसा कि गोपालगंज में था वैसा ही ये भी बनाया जा रहा है। अभी तैयारियाँ चल रही हैं, काफ़ी ऊंचा बनने वाला है ये, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कॉर्नर पे इसके जो गुंबद जो बनाया जा रहा है गोल्डन कलर का, लग रहा है जैसा सोना का बनाया जा रहा है, सेम लग रहा है कि राम मंदिर जैसा ही बनेगा। देखिए दोस्तों ये कुछ दोस्त है लोग जो पंडाल के बारे में देख रहे हैं लोग कैसा क्या बन रहा है। ये दोस्तों ये पंडाल बन जाएगा तो और भी सुंदर लगेगा, ये लाइटिंग वाइटिंग हो जाएगा इस पर, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइकर ब्लॉग को।